जय श्री राम दोस्तों पवन ब्लॉग थानला पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने 12 तारीख को सुबह आठ बजे से शाम को 10 बजे तक पेंट कटिंग करी दोस्तों दोस्तों फ्रेंडशिप ज़्यादा होने के कारण मैंने शटल डाउन करने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम किया और कितने पेंड इकट्ठे करके इनको मतलब लड़कों को सबको काट के फिट करके दिए और उसके बाद मैं घर गया दोस्तों तो दोस्तों सामान पूरी तरह दुकान में अभी बिखरा हुआ पड़ा है मैं साफ़ सफाई करूँगा और इसके बाद में यहाँ से घर जाऊँगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको दिखाता हूँ मेरी दुकान में किस प्रकार से सामान बिखरा हुआ है और साफ़ सफ़ाई करता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों पूरी तरह से दुकान में सामान इधर उधर पड़ा है और बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है दोस्तों दोस्तों काउंटर में जूते भी सभी गिरे हुए पड़े हैं इधर से उधर तो इनको भी सही करेंगे और उसके बाद में अपन सबको व्यवस्थित सुरक्षित जमाएंगे दोस्तों तो चलिए अपन फ़ैन बंद करेंगे और फिर काम स्टार्ट करेंगे झाड़ू निकालना अब मैं अभी झाड़ू निकाल रहा हूँ दोस्तों दो तीन तक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ैन कटिंग फिटिंग का काम चला और बहुत अच्छा मतलब कि व्यापार रहा दोस्तों खास करके जूते तो नहीं बिके पर पेंट कटिंग फिटिंग रिपेयरिंग अच्छा रहा दोस्तों दोस्तों अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल पड़ा था इसके बाद में दो दिन बहुत अच्छा हुआ दोस्तों मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि लोग अक्सर क्या करते हैं दीपावली के दिन ही कपड़े लेते हैं और दीपावली के दिन ही पेंट कटिंग फिटिंग करवाते हैं अब फ्रेंडशिप ज़्यादा होने के कारण काम है बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करता हूँ फिर भी यार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ा के हो जाते हैं इसमें अपने खुद के ग्राहकों का काम नहीं हो पाता है और अपने खुद के ग्राहक दूसरे के पास भी पेंट कटिंग फिटिंग करवाने के लिए चले जाते हैं खैर वो मुझे बुरा नहीं लगता है पर मेरा कहना का ये है कि आप दो तीन दिन पहले ले आओ कपड़े ताकि अपन आपको व्यवस्थित काम करके दें फिर क्या करते हैं सब ऊपर पड़ते हैं और डबल रोल में आ जाते हैं डबल रोल में मतलब कि कुछ पी पीवा के भी आ जाते हैं तो दोस्तों ये था मेरे पेंट कटिंग फिटिंग का देख सकते हो आप ये इतने पेंट काटे इसमें आप अपने पेंट भी दिखे तो कमेंट करके बताना और ये मेरा पेंट है तो दोस्तों ये इतने पेंट मैंने काटे हैं अब चलो इनको मैं बाहर फेंक देता हूँ यानी कि बाहर एक थैले में भरूँगा इनको व्यवस्थित सबसे पहले इनको देख लेते हैं अपन कितने पेंट हैं ये जीन्स पेंट वाइट ब्लू ग्रीन सभी कलर है दोस्तों दोस्तों यहाँ का अपन ने सब साफ सफ़ाई कर दिया है अब अपन और इनको आगे बढ़ाएंगे साफ सफ़ाई को और जो पेंट कटिंग फिटिंग हुई है मैं अब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो कितने पेंट है टोटल आप क्या कमेंट करके बता सकते हो लगभग कितने पेंट होंगे दोस्तों ये अगर आपका अनुमान सही लगा तो बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करके आप बताना कि कितने पेंट होंगे लगभग जिनको मैंने काट दिया है और लड़कों को कटिंग करके पहनाया है देख सकते हो अभी इतने सारे पेंटों के टुकड़े पड़े हैं तो अब आप सोच लेना कि कितने पेंट होंगे इसके अंदर दोस्तों दोस्तों इनमें से मैं कुछ बड़े बड़े टुकड़े अभी अवेयर लूँगा ताकि कुछ डैमेज पेंटों में लगाने में काम आए जैसे ये वाइट है ब्लैक है ग्रीन है ये इन सब बड़े बड़े टुकड़ों को मैं छाट के अंदर रख लूँगा ताकि किसी के डैमेज या रखू करने में काम आए इसके बाद बचे कुछ सब कुछ टुकड़े को मैं एक अच्छे व्यवस्थित थैले में भर लूँगा और अपन व्यवस्थित जगह इनको डालेंगे डस्टबिन में या फिर कचरे की गाड़ी आती है नगर पालिका की उसमें अपन सफाई वाले आएंगे उनको देंगे दोस्तों तो दोस्तों आपका अनुमान क्या है आप कमेंट करके बताना मैंने थैले भर लिए हैं और इनको अब मैं बाहर रख दूंगा इसके बाद में मैं दुकान जमाऊँगा दोस्तों दोस्तों आप कमेंट करके जय श्री राम ज़रूर लिखिए मुझे अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा जय श्री राम नमस्कार दोस्तों फिर अगला वीडियो अच्छा लेके आऊँगा जय श्री राम